नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार को दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रचार वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेगा। लोक अदालत में विद्युत वाद, मोटर दुर्घटना, बैन, ऋण वसूली, बिजली बिल, कर वसूली सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है 9 दिसंबर को, जिसमें छोटे छोटे मामले, आपराधिक समनीय मामले, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना संबंधित मामले, अन्य दीवानी मामले भी जो इस योग्य हैं कि पक्षों को बैठ करके आपस में सुलह समझौते से निस्तारण कर सकते हैं, उसको अधिकाधिक संख्या में किया जा रहा है। और मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि उनके जो भी मामले जहां भी लंबित हैं, वहां एक प्रार्थना पत्र दे करके मामले को सूचीबद्ध कराएँ और अधिकाधिक निस्तारण करा करके लाभान्वित। जनपद में मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक काले बादल छाए रहेंगे, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो अनुमान प्राप्त हुआ है, पूरे पूर्वांचल में काले बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर छुटपुट वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन अभी तक मौसम विभाग के द्वारा आंधी तूफान या भारी वर्षा की चेतावनी नहीं दी गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि इस समय ठंड का सीजन आ गया है, सुबह शाम ठंड पड़ रही है, इसलिए गर्म कपड़ा पहनना शुरू कर दें। यदि सर्दी जुकाम हो गया है तो तुरंत उपचार करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो पूर्वानुमान प्राप्त है, उसके अनुसार इस पूरे पूर्वांचल के जनपदों में थोड़े बादल छाए रहेंगे। ये संभावना भी व्यक्त की गई है कि छुटपुट वर्षा हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार के आंधी तूफान या किसी भारी वर्षा की कोई चेतावनी इस क्षेत्र में अभी तक प्राप्त नहीं है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अब ये सर्दी बढ़ रही है और इसमें किसी भी स्तर पे कोई लापरवाही ना बरते। खास तौर से सुबह और शाम का जो समय होता है वो ज़्यादा ठंडक भरा रहता है, तो उस दौरान गर्म कपड़े पहनना प्रारंभ करें। और यदि जरा सा भी सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा हो या कुछ इस तरह की दिक्कत हो तो समुचित उपचार प्राप्त करें, और यथा कोशिश करें कि अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और सर्दी में अपने आप को सुरक्षित। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संभव दिवस के तहत निगम के सभागार में जन सुनवाई की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर महीने के हर मंगलवार को नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संभव दिवस के तहत जन सुनवाई की जाती है, जिसको देखते हुए आज संभव दिवस में नागरिकों की समस्याओं को सुना गया। इसमें अधिकतर मामले जमीनी विवाद, टैक्स, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, साफ सफाई से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे समस्याओं का समय पर निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो केवल इस यूनिपोल से अभी वोटिंग और उसका तो अलग आएगा, 5 से भी ऊपर जाएंगे हम। प्रॉपर्टी में लगाई लंबी छतर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम के सभी विभागों के साथ और सभी जन समस्याओं के सम्यक निस्तारण हेतु संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जमीन विवाद से संबंधित, टैक्स से संबंधित, सड़क निर्माण, नाली निर्माण से संबंधित और कुछ सफाई से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। नगर निगम के सभी विभागाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त और सभी लोग इसको मिलकर संभव दिवस को सफल बनाने हेतु तुरंत निस्तारण कर रहे हैं, ताकि समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप जन संवाद के माध्यम से जन समस्याओं का निस्तारण करवाया जा सके। नगर निगम ने प्रवर्तन दल के लिए 2 गाड़ियां मंगवाया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि प्रवर्तन दल के लिए नई गाड़ियां मंगाई गई हैं, क्योंकि हम लोग लगातार पॉलीथीन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिससे कि पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके और परिवर्तन दल की टीम समय पर पहुंचकर समस्याओं का निस्तारण कर सके। हमारा प्रयास है कि नगर निगम पूरे शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने में यह गाड़ियां काफी कारगर साबित होंगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, परिवर्तन दल जो ETF है
वो जो हमारे इन्फोर्समेंट रिलेटेड टास्क होते हैं उसके लिए किया गया है, और प्रवर्तन दल में हमारे अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह जी के नेतृत्व में हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं डीके सिंह जी, उनके साथ ये कार्यवाही चल रही है। लगातार हम पॉलिथीन अतिक्रमण, इनक्रोचमेंट, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स उस पर कर रहे हैं, तो उसकी एक पहचान बनाने के लिए और एक विजिबल इम्पैक्ट दिखाने के लिए हमने प्रवर्तन दल की गाड़ियों को एक रूपांतरण किया है, और उन गाड़ियों के माध्यम से हम जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है उसको और द्रुत गति से हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमें आशा है। जिला प्रशासन की ठंड से निपटने के लिए तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल ने बताया कि ठंड का समय शुरू हो गया और लगातार ठंड बढ़ रही है। हमने एक कमेटी बनाई है जो कि सभी रैन बसेरों का एक निरीक्षण करके उसकी जो कमियां हैं अगले 7 दिनों में दूर करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे रैन बसेरों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसके अलावा केयर टेकर को भी चेतावनी दी गई है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि कोई भी नागरिक रैन बसेरों में जाकर रह सके। वहीं इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि जनपद में ठंड को देखते हुए सभी तहसीलों को कंबल का वितरण कर दिया गया है। इसके अलावा अलाव जलाने के लिए सभी तहसीलों को 50,000 रुपये जिलाधिकारी के द्वारा भेज दिए गए हैं, और ये निर्देश दिया गया है कि निराश्रितों और असहाय व्यक्तियों को कंबल का वितरण किया जाए। इस संबंध में गोरख मुनि से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए सहायक चूंकि जो ठंडक धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, उसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तहसील सदर को 1290 कंबल और शेष तहसीलों को 1000 कंबल तत्काल रूप से उपलब्ध करा दिए गए हैं। यूपी हैंडलूम के माध्यम से ये कंबल यहाँ पर जनपद में क्रय किए गए हैं, जिन्हें इन तहसीलों को उपलब्ध कराया गया है, और यह निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर निराश्रित असहाय और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को तत्काल रूप से कंबल उपलब्ध कराएं। और इसके साथ ही अलाव के लिए भी सभी तहसीलों को 50,000 रुपये जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान कर दिए गए हैं, जिससे कि यदि कहीं अलाव जलाए जाने की व्यवस्था की जानी है कुछ भी, तो उसके लिए समुचित दिशा निर्देश तहसीलों को दिए गए हैं। साथ ही रैन बसेरों की भी जांच जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से कराई गई थी। ये एक औचक निरीक्षण था जिसमें जहाँ कहीं भी जो कुछ कमियाँ पाई गई हैं वो समुचित रैन बसेरे को अवगत भी करा दिया गया है, और पूरी व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सीजन लगभग निकट है और लगातार ठंड बढ़ी रही है, इसके अंतर्गत हमने पीयू डूडा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसमें सभी समस्त रैन बसेरों का निरीक्षण करके जो उनके गैप्स हैं, जो जो उसमें कमियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अगले 7 दिनों में हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उन सबको दूर कर रहे हैं, ताकि रैन बसेरे को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। साथ ही साथ केयर टेकर को भी हमने चेतावनी जारी की है कि स्वच्छता, सफाई और मेंटेनेंस का ध्यान रखें, इस प्रकार से रैन बसेरे को संचालित किया जाए कि किसी भी राहगीर, किसी भी आने वाले को कोई भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी रैन बसेरों का निरीक्षण लगातार करते हैं, इसी क्रम में सभी रैन बसेरों में आधारभूत सुविधाएं और बुनियादी सुविधाओं संचालित